पन बेटे हम दो दिन से आए, अभी मोदी के भी दर्शन नहीं हुए ना भगवान के भी हुए। हम भगवान के दर्शन करने आए, अपनी आत्मा से भगवान हमको लेके आए। और दो पोता पोती मेरे को घर पे लेने आ गया कि दादी चलो चलो। हाँ मैं देख सकते हैं, यह है राम भक्ति। राम भक्त कैसे होते हैं देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दादी की क्या भक्ति है, दादी के अंदर की क्या भावना है। बिन कोई हमारे को नोता भी नहीं दिया, पर हमारी आत्मा से परमात्मा से हम भगवान को ही मान के आए कि हमको भगवान ले जाए और उनके दर्शन हो जाएं। अच्छा हुआ मालिक के दर्शन हो जाएं तो हमारे घर चले जाएंगे हम। क्या नाम है? मेरा नाम लता भाई है। कहाँ से हैं? उज्जैन। उज्जैन महाकाल की नगरी से। मेरे आने का तो नहीं था, अपन दो बच्चे आए, दादी दादी चलो, दो पोता पोती थे हमारी भाभी के, बोले चलो अपन राम के। हाँ मेरे को भी बहुत ही हो रहा है, मैं राम के दरबार तो जरूर जाऊंगी। पर बेटे हम दो दिन से आए, अभी मोदी के भी दर्शन नहीं हुए ना भगवान के भी हुए। हम भगवान के दर्शन करने आए, अभी तक दर्शन नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए अभी तक, अभी तक कल हो जाएगा। अच्छा बेटा, तो बेटा हम भगवान राम जी के दर्शन के लिए आए, हम अपनी आत्मा से भगवान हमको लेके आए। और दो पोता पोती मेरे को घर पे लेने आ गया कि दादी चलो चलो। मैं सोच रहा मेरे को कौन लेके जाएगा यहाँ, पर मैं वो दो बच्चे आए और मेरे को चलो मेरी दादी जा रही। हाँ मैं देख सकते हैं, यह है राम भक्ति। राम भक्त कैसे होते हैं देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दादी की क्या भक्ति है, दादी के अंदर की क्या भावना है, आप देख सकते हैं इनसे। कि दो दिन से आए हैं अयोध्या में, और प्रभु श्री राम और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों को ये है एक समान मानती हैं। मोदी जी तो एक राजनीतिक आदमी है, नेता है, तो तुम वो तो हमारे राम तो नहीं हो सकते ना मोदी जी। मोदी जी तो नहीं, पर उनने तो अच्छा काम करा हुआ बताते हैं। तो हम भगवान को दर्शन के लिए, हम लोग दो दिन हो गए हम अभी तक दर्शन ही नहीं करे। और हम बिन कोई हमारे को नोता भी नहीं दिया, पर हमारी आत्मा से परमात्मा से हम भगवान को ही मान के आए कि हमको भगवान ले जाए और उनके दर्शन हो जाएं। बस यही देख रहे हैं ना, यही है राम भक्ति। राम भक्ति में निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, राम भक्ति में निस्वार्थ भाव से प्रभु से मिलने आया जाता है, यही है राम भक्ति। मोदी जी छोटा राम नहीं, एक मिनट दादी से बात करते हैं। दादी नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? साथ में आई हैं? हाँ उज्जैन से। उज्जैन साथ में आई हैं, शिव जी की नगरी से आई हैं, राम जी की यहाँ पर आई हैं। कैसी खुशी है आप लोगों के लिए? बहुत खुशी है, और हमारा दिल भग के यहीं आ गया। हमें कोई पता मालूम था ना मुद्दा मालूम था, हमें कोई ठिकाना नहीं मालूम। बिल्कुल हमारे दो नन्हे बच्चे लेके तुरंत, तो ये भी हमारे साथ में आ गए। कैसे आई हैं? मालिक के दर्शन करने। कैसे आई हैं? कैसे आई हैं? गाड़ी में। गाड़ी से? गाड़ी से आए हैं। हमने सीधा खाना भी नहीं खाया ना, बिस्तर भी नहीं ले, और गाड़ी पकड़ ली। बिस्तर कहाँ पर सोई हैं आज? यहाँ धर्मशाला में सो गए थे दोनों। खुश है हमें तो मालिक बहुत। कुछ काम हुआ? अच्छा अच्छा हुआ मालिक के दर्शन हो जाए तो हमारे घर चले जाएंगे हम। हम इतनी खुशी कभी हमें जिंदगी में नहीं मिली, जो खुशी मिली हो। यही है सेवा, यही है धर्म। प्रभु श्री राम से मिलने के लिए उज्जैन से आ चुके हैं, और निस्वार्थ भाव से बोल रहे हैं कि मैंने तो ना तो मैंने कुछ लिया, ना भोजन लिया, ना कुछ बिस्तर लिया, प्रभु श्री राम से मिलने चले आए हैं।